गाइस आज 31st है और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। और मैं अभी सिलीगुड़ी में हूँ और सिलीगुड़ी में यहाँ पे मुझे अपना एक भाई मिला है, सौरव। हाय। तो अभी हम लोग मीटअप करें और यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी घूमने के लिए। 31st नाइट यहाँ सिलीगुड़ी में सेलिब्रेट करेंगे और कल फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग गैंगटॉक के लिए। मॉर्निंग इंडिया, एंडलेस नाइट के होस्ट आप सबके दोस्त हिमांशु के साथ। तो चलो शुरू करते आज का व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है ये थोड़े दिन बाद आएगा, मतलब 5 या 6 तारीख को, 7 या 8 तारीख को आ जाएगा, क्योंकि और भी 3 व्लॉग्स है। तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की जो राइड है हम शुरू करेंगे यहाँ से सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग हमें यहाँ से 70 किलोमीटर राइड करनी है और जिगजैग वाला रोड है। तो एंजॉय करेंगे हम भी और आपको भी एंजॉय करवाएंगे, दिखाएंगे बहुत अच्छा खासा जो व्यू है, जो नेचर है उनसे मिलवाएंगे हम। तो भाइयों अगर ये व्लॉग आपको पसंद आता है तो आप लाइक करो, मेरी फैमिली मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करो। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं और अभी सामान का पैकिंग चालू है। सिलीगुड़ी में आने के बाद हमें और हमारे भाई मिले सब्सक्राइबर्स, जो अभी मिलने के लिए आए हमें होटल पे, तो उनसे भी वार्तालाप करेंगे और यहाँ से निकलेंगे पैकिंग करके। और गाड़ी की कंडीशन देख लो, अभी पूरा लग रहा है कि ऐसे ऑफ रोडिंग हो चुका है अभी पूरी तरह से। तो भी बताएंगे अपाची। तो भी लेते हैं हम लोग इनसे अलविदा, हमारे भाइयों से दोनों। और कुछ बोलना है? हाँ सर, फिर कब आओगे सिलीगुड़ी मिलने के लिए? तो मैं आऊंगा अभी नेक्स्ट 1 महीने बाद आऊंगा, क्योंकि मुझे नेपाल भी मारना है और सिक्किम भी करना है। ठीक है, जब आओगे हम उसे मिट्टी पर रखना। पक्का पक्का रखेंगे। चलो बाय बाय। बाय बाय, गुड बाय। बहुत अच्छा लगा मेरे इन दोनों भाइयों से मिलके। अब नेक्स्ट मीटअप होगा हमारा 1 महीने बाद, जब नेपाल और सिक्किम राइड में कंप्लीट करूंगा। चलो आज की राइड का प्रारंभ करते हैं कंबरी पप्पा मोरिया। चलो बाबा। चल बाबा, मिलते फिर। सिलीगुड़ी आने के बाद ये ऑटो रिक्शा इनकी, मतलब जो साइकिल है साइकिल रिक्शा, और यहाँ पे बैटरी रिक्शा भी है जो बैटरी पे चलती है। और हम लोग जो रुके थे ये पूरा मार्केट है, बहुत ही फेमस मार्केट है ये सिलीगुड़ी का। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, जैसे मुंबई में प्रॉफिट मार्केट होता है उसी तरह का ये बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी चीज़ें मिलती है, कैमरे की दुकान है, मोबाइल्स की दुकानें हैं, सब साइकिल व्हीकल ये राइट साइड में। अभी तो मार्केट शुरू नहीं हुआ, यहाँ पे 10:30-11 बजे मतलब शुरू होता है। सिलीगुड़ी का जो क्लाइमेट है वो मुंबई जैसा ही है, ज़्यादा ठंडी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम लोग जैसे दार्जिलिंग जाएंगे तो दार्जिलिंग में एक बात हमें पता चली अभी कि 15 साल के बाद बर्फ गिरा है दार्जिलिंग में। और लाचून में बहुत सारे लोग फंसे पड़े और आर्मी वाले आर्मी कैंप में लोगों को निकाल निकाल के आर्मी कैंप में उसमें रखा है, और आर्मी पूरा हेल्प करी है लोगों को, सब कुछ बता दिया। लेकिन मैंने अभी अभी तक यहाँ पे टाइम नहीं बताया कि टाइम हुआ है अभी 10:30 बज चुके। अब यहाँ मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ आर्मी का एक हॉस्पिटल है, और ये पूरा जो लैंड है पूरी जो जगह है ये आर्मी की है, और राइट साइड में भी है जो ये आर्मी का पूरा कंपाउंड है, पूरी आर्मी की जगह है।
इतना खूबसूरत जंगल और खूबसूरत रोड देख के मेरा मन नहीं करा कि गाड़ी की स्पीड बढ़ाऊं, बहुत ही मजे लेते हुए मैं चल रहा हूँ एकदम। अरे ठंडी ठंडी हवा, वाओ। इसमें राइड करने का मजा ही कुछ और आ रहा है, क्या फील आ रहा है, क्या फील। अब इस रास्ते को देख के मुझे अभी लद्दाख वाली फील नजर आ रही है, महसूस हो रही है। लद्दाख में भी ऐसी रोड होते हैं, राइट हैंड साइड में ऐसे घर दुकान होटल्स, वहां पे पहाड़ी इलाका है और एक साइड में नदी है। तो अभी फिलहाल वो ड्राई है, सूखी पड़ी है अभी। ये लेफ्ट साइड में है नदी, अभी थोड़ा ही पानी पानी ही नहीं है, बोलो तो एकदम एकदम थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। तो ये है सामने का व्यू और ये ट्रेन का ब्रिज है, ये जो ब्रिज है वो ट्रेन का है। वाओ क्या खूबसूरती है। अब हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और भी खूबसूरती बढ़ते 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 जाएगी। ये जो रिवर है इस रिवर का नाम है तिस्ता, तिस्ता रिवर, और ये यहाँ से दार्जिलिंग से ऊपर से नीचे आ रही है, सीधा जाएगी सिलीगुड़ी। अब यहाँ से होता है शुरू पहाड़ी इलाका, मतलब घाटी बोलते घाट, जिगजैग वाला रोड स्टार्ट। रोड की क्वालिटी बहुत ही मेंटेन की है यहाँ पे। बहुत अच्छे रोड है, लद्दाख वाले जैसे नहीं है। लद्दाख में तो बहुत टूटे फूटे रोड है, लेकिन अभी लद्दाख में रोड के कंडीशन जो अभी बन रही है, मतलब काम चालू है वहाँ पे, और दो साल के बाद लद्दाख देखने लायक होगा, मतलब रोड कंडीशन में एक नंबर होगा लद्दाख। और यहाँ पे ट्रैफिक सेंस भी बहुत अच्छा है, मतलब किसी को घाई नहीं है, बहुत प्यार से जा रहे हैं। लद्दाख में तो मरते हैं लोग, और ज़्यादा करके ट्रैवल्स जो वहाँ पे लोकल गाड़ियाँ होती हैं आगे जाने के लिए, नीचे पहुँचने के लिए, ऊपर पहुँचने के लिए बहुत घाई करते हैं। यहाँ पे देखो कैसी पब्लिक एकदम आराम से गाड़ी चला रही है। ये है पुलिस की गाड़ी, वेस्ट बंगाल। जैसे हम लोग ने राइड स्टार्ट किए वैसे हम लोग ने कुछ खाया नहीं था, तो अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो हम लोग वहाँ पे पेट पूजा करेंगे। गर्मा गर्म मैगी, ठंडी के मौसम में ऐसी गर्म गर्म मैगी खाने का मजा ही कुछ और होता है। मैगी से काम चला नहीं तो ऑमलेट पाव। बॉडी में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम हो गई थी, वो भी प्रोटीन बढ़ाने के लिए हम खा रहे हैं एक ऑमलेट। ये यहाँ पे सप्तेश्वरी काली मंदिर, क्या खूबसूरत मंदिर है। उसके स्टेप्स वो भी जिगजैग वाले बनाए हैं। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हो, ये डैम है तिस्ता लो डैम। अभी थोड़ा डैम में पानी थोड़ा कम है अभी वहाँ वो साइड में। अब जैसे ही और 2 महीने के बाद ये पूरा भरा हुआ नजर आएगा। अब किसी की बर्थडे पार्टी है और बर्थडे पार्टी के लिए इन्होंने ट्रक का मतलब टेम्पो, ये मैक्स है, महिंद्रा मैक्स। क्या बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन है, वाह। ऐसी आइडिया तो हमें भी नहीं आती कि बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना, तो ऐसे डीजे लगाओ गाड़ी में और बजाते बजाते चलो।
ये है ब्लूश और ग्रीन कलर का पानी है यहाँ पे, क्या व्यू है। और ये पूरा डैम अपने जो उस जगह जो डैम देखा तो डैम का ये पानी ये रोका गया है, इसलिए ये यहाँ पे जमा दिख रहा है। और ये बंदर देखो, ये ऊपर जाके बंदर दो बैठे हुए लपड़ा, यहाँ पर भी दो बैठे हुए। ये यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है तिस्ता शहर, एक है तिस्ता शहर बीच में लगेगा और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये पूरा रोड। और हम लोग यहाँ से अब ऊपर जाएंगे दार्जिलिंग के लिए। फुल जिगजैग, यहाँ मैप में भी देख सकते हो फुल जिगजैग है। दार्जिलिंग ऊपर है ना, हाँ जाना पड़ेगा। हाँ हाँ अच्छा जाएगा, हाँ दार्जिलिंग शहर में जाना है। हाँ दादा फुल टाइट है। एक बार मैंने फिर भी क्योंकि इस हिसाब से उत्तर आया तो ये पहले बंदा मिला है कि उसको पूछ लेना बहुत जरूरी था मुझे, क्योंकि भाई मैप तो ठीक है बता रहा है लेकिन उसको रूट भी तो पूछू क्या सही रूट है कि नहीं। रूट तो सही है लेकिन बंदा टाइट है। फुल यूटर्न पूरे मुंह के ऊपर, रोड की कंडीशन अभी भी बहुत अच्छी है और रोड अभी भी नैरो है बहुत। यहाँ पे रोड बहुत नैरो है। ठंडी बढ़ने लगी है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडी बढ़ती जाएगी। पल्लस ना स्लीपरी होते एकदम, स्लीपर है स्लो स्लो चालो एकदम स्लीपरी है, एकदम स्लीपरी है। ठीक है ठीक है, गाड़ी उतर गाड़ी गाड़ी चल, पेट्रोल पड़ी आई थोड़ी बर्फ है रे, सावका सावका शूज पण सर, हाँ शूज पण स्लीप होतात, बघत राहतं नाही। अरे आईस आहे पूर्ण बर्फ आहे, कशी उचलायची थांब थांब स्लीप होतोय मी पण, एक मिनिट पूर्ण आईस आहे। हा अरे यार ऐकत नव्हतं यार, फुल आहे नशीब तिकडे आलं त्या साईडने, हे बघ बर्फ आहे पूर्ण। हो हो पहिलं झालं, गे 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 थांब थांब अरे माझे पाय पण स्लिप होतात। ओ शिट अरे पाय स्लिप होतात लागलं, हो पायावर आहे गाडी। ओ शिट अरे यार स्लीप कसा होते, थोड़ा लो स्लीप हो जाएगा, स्लीपर ही है एकदम आईस है। स्टैंड लो स्टैंड लो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। चलो चलो कम बस, तो पुढे गे पुढे गे साइडला बसू नाही, नाही धक्का मारू पुढे गे, पत्र पडलं सर न्यूट्रल कर। हां अरे बाप रे, कोणी येते इथे तू आईस आहे ना, हां पुरे सोडू, हां साइड ला ना, हां लावलेलं आहे, हां ओके ठीक है अभी बैठ रहे ना, बैठ रहा है गाड़ी आगे ले रहे। चलो थैंक यू, आगे और अरे बाप रे, अच्छा
सुन, वो कह रहे कि आइस और बहुत ऊपर है, मतलब बहुत आइस गिरने लगने वाली इसी। ये तो पहली बार है, पहली बार गिर गए, अभी संभल के चलाना। वो तो हाँ चलो, हाँ हाँ लगी तो नहीं तुझे? लगी नहीं ना, चलो चलो। सुरेश बेटा हमारा स्लीप हो चुका है, संभाल संभाल संभाल, स्कीट मार रहा गाड़ी। आता पण पडलास तू, परत पडलास। चल पुढे चल, पुढे चल, माझ्या पुढे चल तू, सावकाश। आगे स्लीप हो रहा है गाड़ी, संभाल के चलना, ठीक है? बर्फ है अभी, वो गिर गया करके। हाँ ऊपर से भी वही तो। अब जहाँ जहाँ मुझे ऐसा ही गिल्ला रोड गिला लगा, वहाँ वहाँ हम लोग स्लो हो जाएंगे। सुरेश अभी फिर से दोबारा गिरने वाला था, बेचारे ने बैलेंस कर लिया, दोनों पैर नीचे लगा के बैलेंस कर लिया खुद को। यहाँ पे और एक बुलेट गिर गई राइडर, क्योंकि आइस बहुत है अभी, यहाँ पे भी स्लिपरी है पूरा, और ये रूट से हमको जाना होगा। यस यस, हम लोग आराम से जाएंगे, पूरा स्लिपरी है ना, गिर गया ना। हाँ वो भी गिर गया बंदा। हाँ हाँ मैं ऐसे चला रहा हूँ, पैर मेरे नीचे है, लेकिन पैर का कोई मतलब नहीं है पैर रखने का, क्योंकि मेरे जूते भी स्लिप हो रहे हैं। अरे यार इसको देख लेता हूँ पहले। गुड 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 गुड, चल चल चल। अरे सब्सक्राइबर है माझा? हाँ तो गाड़ी थांबू ना, लागलो। हाँ हाँ हाँ, ये जरा सांभाळ ना, इथे बर्फ आहे। सिलीगुड़ी में मेरे बहुत सारे अभी सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं अभी यहाँ पे, और KTM वाला है एक बंदा जो अभी आगे गया है। तो दार्जिलिंग जाते वक्त हमें यहाँ पे अनीश मिला है अभी, और ये भी हमारा सब्सक्राइबर है, हमारे भाई है मेरे। तो इनकी जो बाइक है KTM ड्यूक, तो बस मुलाकात हो गई। हम लोग ऊपर आते आते अनीश ने देख लिया, तो अनीश ने हमें पीछे से फॉलो कर दिया, और फॉलो करके हमें रोक दिया और बात करने लगे। भी अभी बातचीत करेंगे, फिर चलेंगे एक साथ। दार्जिलिंग आ रहे हो? अभी हम टिस्टा जा रहे हैं, वो टिस्टा जा रहे हैं और हम लोग दार्जिलिंग जाएंगे। अब यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया है, कैसे गाड़ियां पास होंगी? दार्जिलिंग ट्रेन, स्टेशन है। राइडिंग हिल का असली मतलब ये होता है कि, आपको बताना चाहूंगा, ये देख रहे हो जो, और यहाँ पे भी ब्रेक हो चुका है, और सोचो कि ये ब्रेक हो गया है और यहाँ पे थोड़ा सा दब गया अंदर, तो आप अंदाजा लगाओ कि इसके घुटने का हालत क्या होता था। इसलिए ये ऑलवेज राइडिंग गियर पहनना जरूरी है। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं KFC, और KFC में जाएंगे थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे, और हम लोग ने और मार्केट में अभी मोमोज लिया है, मोमोज, और मोमोज में जो स्टफिंग होता है, मोमोज और चिकन पराठा। दोस्तों आज की जो जर्नी थी सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग, दार्जिलिंग है 70 किलोमीटर यहाँ से, तो 70 किलोमीटर हमें काटने के लिए हमें 5 घंटे लगे, क्योंकि बीच बीच में इतने अमेजिंग स्पॉट थे, अमेजिंग व्यूज थे, मतलब
गाड़ी रुके बिना, हम व्यूज लिए बिना, एंजॉय किए बिना हम आगे कैसे बढ़े। तो रुक रुक के आए, एंजॉय करते हुए आए और रास्ते की क्वालिटी बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही खूबसूरत है। बीच में बस एक बर्फ था तो बर्फ के ऊपर से सुयश गिर गया, जो आपने देखा, तो उसे ज्यादा तो मार नहीं लगी कि, और क्योंकि उसको नी पैंड ने बचा लिया। और रही बात अभी दार्जिलिंग घूमने की, दार्जिलिंग तो हम लोग घूम लिए क्योंकि वहां पे हम लोग सिर्फ मार्केट ही घूमे, और मार्केट में एक्चुअली गए तो कपड़े की मार्केट है, खाने पीने की मार्केट है, बहुत स्ट्रीट फूड्स है, बहुत अमेजिंग था वो भी देखने के लिए, एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब। तो दोस्तों अभी एक्चुअली हम लोग अभी रूम में आए, ठंडी बहुत ज्यादा, आपको भी पता है मैं हमेशा बोलता हूँ ठंडी ठंडी ठंडी, एक्चुअली मुझे ठंडी से बहुत एलर्जी है और मुझे ठंडी उतनी में सहन नहीं होती है। जो यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, अभी 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में मैं कैसे रह रहा हूँ मुझे पता है। तो यहां से हम लोग कल भागेंगे जयगांव, और कल हम लोग एंटर करेंगे भूटान, जो अपना लास्ट डेस्टिनेशन है, वो हम लोग कम्प्लीट करेंगे। तो कल मिलते हैं, और आज का ये व्लॉग आपको पसंद आता है तो आप लाइक करो, मेरी फैमिली मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब करो, और मुझे बढ़ावा देने के लिए वीडियो को शेयर करो। गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।